जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 6 क्लास डिस्कशन। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय गर्वेस फिन। ही वॉज born on December 27, 1946 in Rotherham, England. Let's start poem. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. Discussion means talking together in a group on a single topic. इस पोयम में एक टीचर हैं जो जैन से बोली, जब कभी क्लास में किसी भी टॉपिक पर कोई डिस्कशन होता है, तुम मुश्किल से ही एक वर्ड बोलती हो, मीन्स तुम हमेशा चुपचाप रहती हो, तुम कुछ भी नहीं बोलती हो। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हियर्ड। एयर्ड मीन्स मेक पब्लिक, बेयरली मीन्स ओनली जस्ट, मीन्स जब कोई क्लास में किसी टॉपिक पर डिस्कशन होता है तो हम सभी अपने अपने ओपिनियंस को खुलकर बताते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलती हो, तुम उस टॉपिक पर अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देती हो, तुम चुपचाप केवल सुनती हो। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। स्टेयर्ड मीन्स लुक फिक्सडली विथ आइज वाइड ओपन। तुम बात करने वाले बच्चों से घिरी रहती हो, फिर भी तुम चुपचाप बैठी रहती हो और सबको एकटक निगाह से देखती रहती हो। नाउ टेल मी जैन। अब टीचर ने सोचा कि सारे बच्चे आंसर दिए, अपने अपने ओपिनियन बताए, लेकिन जैन कुछ भी नहीं बोली। तो उन्होंने जैन से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ, एंड प्लीज बी प्लेन। प्लेन मीन्स क्लियर। प्लीज तुम मुझे क्लियर बताओ, इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। जैन लुक्ड अप एंड देन सी स्पोक। जब टीचर जैन से पूछी कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, तब जैन ऊपर की तरफ देखी, एंड देन सी स्पोक, और तब वह बोली। हर वॉयस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी जो वॉयस थी बहुत ही क्लियर और लो, मीन्स धीमा था। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं हु आर रेदर क्वाइट यू नो, जो बहुत ही कम बोलते हैं, मीन्स वे हमेशा शांत रहते हैं, जैसा कि आप जानते हो। कुछ लोग केवल दूसरों की बातों को केयरफुली सुनते हैं, वे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ एनीवन सेज समथिंग, then you should listen carefully.
थैंक यू, हैव अ गुड डे।